नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। मैं हूं आशुतोष। हम बात करेंगे इज़राइल देश की। 7 अक्टूबर का दिन इज़राइल कभी नहीं भूल सकता, जब उसके ऊपर हमास संगठन ने सबसे बड़ा हमला किया जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। इज़राइल अपने इस घटना के लिए लगातार हमास पर हमला कर रहा है और वो बदला लेना चाह रहा है। कई सैनिकों को उतार कर लगातार हमास पर हमला भी किया जा रहा है, लेकिन हम आपको बताते चले हमास के पास एक ऐसी शक्ति है जिसे इजराइल नहीं खोज पा रहा है। शायद यही वजह है कि लगातार हमले के बावजूद भी हमास इजराइल पर हमला अब भी कर रहा है। आइए हम आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक बताते हैं जो हमने सोशल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज़ चैनलों पर देखा और समाचार पत्रों पर पढ़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाजा में सैकड़ों किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग का जाल बिछा है। साल 2021 में हुए संघर्ष के बाद इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने गाजा में 100 किलोमीटर की लंबी सुरंग को तबाह कर दी, लेकिन हमास का कहना था कि सिर्फ 5% सुरंग को तबाह किया गया और गाजा में कुल 500 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनी हुई है। अगर आपको यह आंकड़ा कम लग रहा है तो जान लें कि लंदन शहर के फैली अंडरग्राउंड मेट्रो में सिर्फ 400 किलोमीटर कवर करती है और उससे भी अधिक जमीन उसके ऊपर है। अपने दुश्मनों पर बढ़ते हासिल करने के लिए इसराइल ने 2014 में इजरायली फर्मो एल्बिट सिस्टम और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा डेवलप एक परिकृष्ट सुरंग पहचान प्रणाली में निवेश करने का फैसला किया था। ये दोनों ठेकेदार संयुक्त रूप से मिसाइल रक्षा प्रणाली पर भी काम करते थे, जिसे आयरन डोम के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हम आपको बताते चले कि हमास वर्षों से हथियारों, कमांडर सुविधाओं और लड़ाकों को छुपाने के लिए घनी आबादी वाले गाजा के नीचे सुरंगों का उपयोग करता आया है। समय के साथ वेंटिलेशन, सॉफ्ट और बिजली के साथ भूमिगत मार्ग अधिकृत परिकृष्ट भी हो गए हैं। एक्सपर्ट की माने तो कुछ सुरंगें 35 किलोमीटर तक हो सकती हैं, जिनमें रेल पटरियां और कम्युनिकेशन कमरे भी हो सकते हैं। इनका एंट्री गेट अक्सर आवासीय भवनों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर होता है। सबसे पहले भूमिगत नेटवर्क का उद्देश्य मुख्य रूप से मिस्र से सामान और हथियारों की तस्करी करना, लेकिन उग्रवादियों ने इसका इस्तेमाल सीमा पर छापे के लिए किया। इसमें वर्ष 2006 में ऑपरेशन भी शामिल है, जिन्होंने 19 साल के इजराइल सैनिक गिलाद शातिल का अपहरण कर दिया और 2 अन्य इजराइल सैनिकों की हत्या कर दी। इजराइल ने 1000 से अधिक फिलिस्तीन कैदियों को मुक्त करने के बाद शांतिल को 5 साल बाद रिहा किया था। इजराइल के भूमिगत भूल भुलैया से छुटकारा पाने के लिए वर्ष 2014 में गाजा ने जमीनी आक्रमण किया और जिसका इस्तेमाल हमास के आतंकवादियों ने 50% किया। इस दौरान इजराइल बलों पर घात लगाने के लिए किया जाता है। मिस्र ने लगभग 1 दशक पहले सुरंगों की बाड़ सहित नष्ट करने के एक समन्वित अभियान को भी शुरू किया था। हम आपको बताते चले कि हमास के और इजराइल के इस गृह युद्ध में गाजा पर लगातार इजराइल द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन हर बार ये युद्ध क्यों होता है, ये गृह युद्ध क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं हमने जिस सुरंग का अभी जिक्र किया, अगर वह सुरंग है तो कहीं ना कहीं गाजा के सैनिकों को यही बार बार बचाता है। जो वहाँ के हमास के उग्रवादी हैं वो इसी सुरंगों में बचकर अपनी जान बचा लेते हैं और फिर अपने कमांडो को तैयार करते हैं, अपने हथियारों को तैयार करते हैं और एक बार फिर इजराइल पर हमला करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गृह युद्ध काफ़ी दिनों तक चल सकता है, लेकिन हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लगातार इसराइल पर भी दबाव बन रहा है कि वो इस गृह युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करें। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द सोशल राइज़।